ब्रेकिंग न्यूज संभल, सपा जिला अध्यक्ष सहित 40-50 लोगों के खिलाफ मुकदमा। ज्ञापन देने के दौरान नाटकबाजी पड़ी महंगी, कोतवाल से बदजुबानी के बाद सपा जिला अध्यक्ष फिरोज खान समेत 40-50 सपाइयों के खिलाफ किया केस दर्ज। धारा 188 और 505 के तहत केस। संभल कोतवाल अमित कुमार ने कराया केस, सदर कोतवाली के SDM ऑफिस का मामला। हाँ सर, सर आज जो आपने PW विभाग के और SDM साहब से मुलाकात की है, क्या वार्तालाप हुई? ऐसी वार्तालाप तो बहुत दफे हो चुकी जब से भाजपा की सरकार बनी है। गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, करोड़ों रुपया मंत्री खा गए, BJP के नेता खा गए, लेकिन गड्ढे बरकरार है, जनता परेशान है। अनेकों संभल में घटनाएं हो गई, दुर्घटनाएं जिससे लोग मर गए और सड़कें टूटी। वर्ल्ड बैंक के लोग भी आए हैं, PWD के लोग भी थे, और ये निहायत ही भ्रष्ट और चोर लोग हैं। लेकिन संभल के प्रशासन ने वार्ता कराई है, 3 दिन का समय मंगाया, गड्ढे भर जाएंगे और सड़क भी ठीक हो जाएगी। अब देखते हैं क्या वायदा, 2-3 साल से UPG भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी किया है, लेकिन अमल कुछ नहीं है। सैकड़ों लोग प्रदेश में मारे गए दुर्घटनाओं में, सरकार नहीं जाग रही। अब समाजवादी पार्टी अब सड़कों पर उतरेगी इस मामले में। सर आपने FIR भी करने को कहा है लिखित रूप में, क्या? देखिए, जिसका मरेगा सड़क दुर्घटना में उसके जिम्मेदार ठेकेदार होंगे, PWD विभाग होगा, ये वर्ल्ड बैंक से संबंधित लोग होंगे, तो उनके खिलाफ FIR नहीं होगी किसी के, तो मीडिया वालों के खिलाफ होगी। अरे भाई, FIR तो जो दोषी होगा जिसकी वजह से सड़क दुर्घटना में सड़क के गड्ढों से हो रही है और किसी का आदमी मरेगा, तो FIR क्यों नहीं होगी? इनके खिलाफ FIR कराएंगे। अच्छा सर, अभी देखा गया था कि आपकी सदर कोतवाली के प्रभारी जो हैं कोतवाल साहब से भी भिड़ंत हुई थी, क्या ऐसा है? पुलिस अपनी बेवजह टांग अड़ा देती है चमकने के लिए, उसके लिए ये डकैतों को, बलात्कारियों को, तो जो BJP के नेता उनको तो पकड़ नहीं रहे, और जो शरीफ लोग आते हैं ज्ञापन देने या वार्ता करने, उनको पकड़ने का या उन पर रॉब बांटने का काम करते हैं। तो ऐसी पुलिसिया गिरी जो है समाजवादियों के सामने नहीं चलती है, ये भाजपा के छह पे पुलिस काम कर रही है, गुंडाई कर रही है। इसकी गुंडागर्दी पुलिस की कैसे चलने देंगे समाजवादी के लोग? बंद कर दो, कर दो के तो हज़ारों कर दिए बेगुना समाजवादी के लोग जेलों में पड़े, तो पुलिस की गुंडागर्दी चलने देंगे? तो पुलिसिया काम नहीं चल पाएगा। सर, ये सपा जिला अध्यक्ष फिरोज खान पर मुकदमा दर्ज हुआ है, किन मामलों में दर्ज हुआ है सर? ये कल जो है सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हैं, इनका सड़क और बिजली को लेके कुछ बिंदुओं पर SDM से CO से वार्ता का दिवस तय था। वार्ता के लिए जब ये गए, सैकड़ों समर्थकों के साथ वहाँ भद्र टाइप नारे लगाते हुए पहुँचे थे, इसी संदर्भ में इनके खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सर, किन किन धाराओं में दर्ज किया गया और कितने लोगों के खिलाफ किया टोटल? ये इनके खिलाफ ये नेम्ड हैं, इसके अलावा इनके अन्य समर्थक हैं, और 188 और 505 IPC के तहत इनके खिलाफ मुकदमा।